पचोकरा गांव में राशन डीलर की चल रही तानाशाही, गरीबों के हक पर पड़ रहा डाका। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के गांव पचोकरा थाना छजलैट के निवासियों ने राशन डीलर रीनू कुमारी चौधरी पर आरोप लगाया है कि राशन किसी को पूरा नहीं देती है और शिकायत करने पर उनका राशन कार्ड निष्कासित करवा देती है। पूछताछ करने पर गाँव के कुछ लोगों ने बताया कि हमारे गाँव की डीलर रीनू कुमारी चौधरी ने 4 साल से अभी तक हमारा राशन कार्ड नहीं बनवाया है और ना ही हमें 4 साल से राशन मिल रहा है। शिकायत करने के बाद भी हमारी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं हो रही है। हमने शिकायत ग्राम प्रधान नितेंद्र सिंह से की, उन्होंने भी हमारी कोई मदद नहीं की। गांव में जो लोग किसान हैं उन सभी लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं और जो गरीब हैं उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। पूछताछ करने पर गांव पचोकरा की डीलर रीनू कुमारी चौधरी ने बताया कि राशन कार्ड की वेबसाइट 4 साल से ऊपर से ही बंद थी, इसलिए इनके राशन कार्ड नहीं बन पाए। शिकायतकर्ता में मौजूद रहे धीर सिंह, प्रीतम सिंह, सतपाल, जयप्रकाश, वंदना रानी आदि। गांव कौन सा? गांव पचोकरा। डीलर साहब का नाम बताओ। डीलर रेणु कुमारी चौधरी। प्रधान जी का नाम? प्रधान निपेंद्र सिंह। थाना कौन सा पड़ता? थाना छजलैट जी। बताइए क्या परेशानी है? परेशानी ये है साहब, डीलर हमारे हैं घटतौली करता था और हमने घटतौली की मौखिक शिकायत रखी। मौखिक शिकायत रखने के बाद में मौखिक शिकायत आपने किससे की? डीलर से करी। मैं इतनी घटतौली क्यों कर रहे हो जी? फिर हमने सप्लाई इंस्पेक्टर से करी फोन पर बात जी। मैं कहा हमारे यहाँ का डीलर एक है 2 किलो गल्ला हर परमिट पर कम दे रहा है। तो साहब उस महीने तो हमें राशन मिल गया, अगले महीने मौखिक शिकायत करने पर हमारे 4 आदमियों के राशन कार्ड जल्द से ही निकाल दिए। सर इस चीज़ की शिकायत आपने किसी आला अधिकारी से की? आला अधिकारी साहब बाद में करी है, हमने एसडीएम साहब से भी करी है, तहसील दिवस में जिला अधिकारी साहब से भी हुई है, सप्लाई इंस्पेक्टर को 2 शिकायत दी है हमने लिखित में। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने साहब जो जाएगा नेट बंद है, ये बंद है, अभी नहीं जुड़ेगा भाई। वो टालते आ रहे हैं हमारे तक, 5-6 महीने हो गए हमें, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। नहीं नहीं कोई सुनवाई नहीं है। परमिट भी जारी करा है बाद में, इतनी शिकायतें करने के बाद में, जिसके 5 या 6 यूनिट हैं उसका 1 यूनिट का कार्ड। जैसे का मेरा नाम धीर सिंह है और मेरे 3 बच्चे हैं, तो मेरी घरवाली का केवल 1 यूनिट चला कर परमिट जारी कर दिया। अब बताओ 4 सदस्य को क्या खाएंगे? गरीब और मजदूर आदमी हैं हम लोग। तो कितना 1 यूनिट पर कितना मिलता है आपको? 1 यूनिट पर 5 किलो मिला है। अब 25 किलो में भी वो 2 किलो कम देती थी हमें पहले। ये शिकायत करने भी हमारे परमिट काटे गए। कितने लोगों के परमिट काट दिए? परमिट 4 लोगों ने शिकायत करी थी और 4 लोगों के 6 महीने से उसने परमिट ही काट रखे हैं। किस क्या क्या नाम है उनका? काम नाम है कुंता वाइफ धीर सिंह जी, और रजनी वाइफ बागे सिंह, गोमती वाइफ सुखपाल सिंह, और बीरवती वाइफ ऑफ जयप्रकाश। ये 4 कार्ड तो बिल्कुल जड़ खरीदी काटे और इनके आला अधिकारी को शिकायत करने पर तो केवल उसने 1 यूनिट से, सप्लाई इंस्पेक्टर ने केवल 1 यूनिट से कार्ड जारी करे हैं सबके। और बीरवती जयप्रकाश का तो वो भी जारी नहीं करा अभी बिल्कुल भी। कौन सा गांव है सर? गांव पचोकरा है ये। 4 साल हो गए हमारी शादी। नाम क्या आपका? ज्योति। गाँव कौन सा? पचोकरा जी। बताइए पचोकरा। बताइए क्या परेशानी? परेशानी ये है हमारे राशन कार्ड ही नहीं बना, ना हमें राशन देती हैं ये। अब ऊपर से सरकार की तरफ से भी राशन आया तब भी हमें राशन नहीं। कब से नहीं बना रहा आपका राशन कार्ड? 4 साल हो गए शादी को, 4 साल से बना नहीं है राशन। तो आपने प्रधान जी या डीलर साहब से कही थी राशन? सबसे कह दी, सबसे कागज जमा कर लेते हैं, कह देते हैं नेट बनते, नेट ही नहीं खुलती, सोसाइटी में 4 साल से राशन कार्ड नहीं बना कर। प्रधान का क्या नाम है? प्रधान जी से भी नहीं बताई तुमने? प्रधान जी से ही बनाई थी, कागज सब जमा हो गए पर ये कह रहे थे नेट ही बनता। 4 साल से कोई राशन नहीं मिला आपको? नहीं, हमें 4 साल से कोई राशन नहीं मिला बिल्कुल। एक हाथ में ले लो तुम आईडी। क्या नाम आपको? रीनू कुमारी। गाँव कौन सा है? पचोकरा खानपुर। यहाँ के डीलर हैं आप जी? अच्छा, ये जो पिछले मोहल्ले में शिकायत कर रहे हैं आपकी कि 4 साल से हमारा कोई राशन कार्ड नहीं मिला, इसमें क्या आपने सुनवाई नहीं की? था सर, सबको खबर कर दी गई थी जब तक, तो काफ़ी दिन से साइट भी बंद पड़ी है जी, लेकिन हमारे गांव में सभी लगभग सभी के राशन कार्ड हैं। अच्छा, और ये बता यही बता रहे हैं पीछे कि आपने जो हमने कहा उनसे जाकर, लेकिन उन्होंने अधिकारी से नहीं सुनता बचाई। गलत कहा। मैडम ये सुनने में आ रहा है कि हमने शिकायत करी थी तो हमारे राशन कार्ड भी काट दिए गए और ये खबर पेपर में भी छपी है। गलत है। गलत है।
वो इन्हें पता होगा, मुझे कुछ नहीं। ठीक है, जो इन्होंने कहा ठीक ही कहा होगा। लोग जो ज़्यादा ही गरीब हैं, इनके लिए कोई प्रबंध किया आपने नहीं अभी तक? सर अभी तो मुझे यूनिट के हिसाब से राशन दिया गया, जैसे अधिकारी कहेंगे वैसे कर दूँगा जी। मैम ऐसा है ना, कुछ लोगों पे राशन कार्ड है, कुछ लोगों पे नहीं है, तो उनके क्या होगा, कैसे दिया जाएगा उनको? जैसे सब कहेंगे अधिकारी कहेंगे वैसे ही दूंगी, और मैं कैसे दूंगी? तो देखिए उनकी शिकायत, इनकी जो शिकायत है वो शिकायत बड़े अधिकारी को चाहिए आप, कि जो ज़्यादा खराब है, लॉकडाउन चल गया है, इनकी कुछ तो सुनाई हो जाए। कोई ऐसा प्रार्थना पत्र आपने लिख के भेजा उच्च अधिकारियों को, जिसमें लिखा हो कि कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है? चार साल में एक आध बार तो आपके पास कंप्लेंट है, किसी ने दी होगी, आपने ऊपर दी होगी किसी अधिकारी को, एसडीएम को दी होगी, प्रेरणा सिंह को? मेरा घर कोई शिकायत नहीं, और ना मैंने किसी को दिया। अच्छा, शिकायत नहीं करी इन लोगों ने आपके पास? सबके राशन कार्ड, राशन जा रहे हैं सबके। अच्छा, शिकायत की तो लेकिन आधे से ज्यादा लोगों का कहना है कि एक राशन कार्ड में फैमिली में जैसे 7 मेंबर हैं, तो उसमें केवल एक ही यूनिट लगा दिया गया है, तो वो इनके आधार नहीं होंगे, इस वजह से कटे होंगे। मुझे तो इस बार में कोई बनी। आधार कार्ड तुमने कितनी बार मांगे? हर बार 6 महीने में, सालों में मंगाती हूँ, आधार कार्ड दो, राशन कार्ड। चुप जाओ, यहाँ पर लड़ना।